नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी दोस्त निकिता और फिर से स्वागत कर रही हूँ आप सबको आप सबके अपने चैनल हिंदी क्लासेस निकिता पर। दोस्तों, हमारे पिछले वाले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे हमारे एजुकेशन कमिश्नर के बारे में, जिसमें हम चर्चा किए हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिश्नर, यानी कि हमारा पहला एजुकेशन कमीशन हमारे देश का, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद हम बात कर रहे थे मुदलियर कमिश्नर, जिसमें हमारे चेयरमैन थे लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। और उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कोतरी कमिश्नर, जो कि हमारे तीसरी एजुकेशन कमिश्नर थी और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो पॉलिसी आई, जो कमिश्नर आए, ये सब इनकी जो रिकमेंडेशन थी उससे ही आगे लेकर चले। तो कोतारी कमिश्नर के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर डीएस कोतारी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एनपीई 1968 और एनपीई 1986 के बारे में, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इसके रिकमेंडेशन क्या क्या थी और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया की। तो देख किस बात की है दोस्तों, चलिए आज की आलोचना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीई 1968 कब पारित हुआ। तो एनपीई 1968 यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, ये 1968 में ही पारित हुआ था। और इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो अब हम बात करते हैं कि रिकमेंडेशन क्या क्या थी एनपीई 1968 की, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 की क्या क्या रिकमेंडेशन। तो पहली रिकमेंडेशन थी हमारी एनपीई यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 की, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू एज 14, यानी कि 14 वर्ष तक सारे बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना सरकार का अनिवार्य काम है। ये थी पहली एजुकेशन, हमारी पहली रिकमेंडेशन किसकी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 की। और दूसरी थी स्टेटस एंड एजुकेशन ऑफ ए टीचर, यानी कि एक टीचर की जो ट्रेनिंग, यानी कि जैसे कि हमारे पीएड ट्रेनिंग है, लागू किया गया था कि एक टीचर का एजुकेशन और उसके जो बैकग्राउंड स्टेटस है ये अच्छा होना चाहिए, यानी कि स्टेटस एंड एजुकेशन ऑफ ए टीचर। उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन थी साइंस एंड रिसर्च एजुकेशन के ऊपर, यानी कि साइंस एंड रिसर्च के ऊपर जो हमारे जो सारी कॉलेजेस है, जो सारी रिसर्च सेंटर्स है, वो सब खुलना शुरू हुआ। उसके बाद हमारे आती है हमारे स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड अडल्ट एजुकेशन, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा का विकास हुआ। स्पोर्ट्स एजुकेशन का भी विकास हुआ एनपीई 1968 के अंतर्गत, यानी कि उसके रिकमेंडेशन के आधार पर हमारे स्पोर्ट्स एजुकेशन यानी कि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर भी ध्यान दिया गया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि वही थ्री लैंग्वेज सिस्टम, क्योंकि मैं बता ही हूँ आपको कि कोतारी कमिश्नर के बाद जो भी पॉलिसी या जो भी हमारे कमिश्नर आए उससे ही उसके ही रिकमेंडेशन को ले आए, पर थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, यानी कि हमारे स्कॉलरशिप सिस्टम शुरू हुआ हमारे इंदिरा गांधी जी के समय से, यानी कि हमारे एनपीई 1968 के बाद। उसके बाद इक्वलाइजेशन ऑफ सिस्टम, यानी कि सबको पढ़ने का हक है। एनपीई 1968 यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 का लास्ट जो दो रिकमेंडेशन है वो है प्रोडक्शन ऑफ बुक, यानी कि बुक के प्रोडक्शन को इन्होंने ज्यादा कर दिया ताकि स्कूल्स में ज्यादा डिलीवर हो सके बुक्स, ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। और उसके साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन का भी शुरुआत हुआ। डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि जैसे कि आप जानते हैं इग्नो, हमारी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटी खुली ताकि ज्यादा उम्र हो गया है और या फिर कोई आदमी या कोई औरत है जो पढ़ना चाहता है पर वो कोई सर्विस या फिर कुछ काम कर रहा है, उन लोगों के लिए स्पेशली डिस्टेंस एजुकेशन की भी सुविधा हुई। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एनपीई 1986 के बारे में। तो दोस्तों,
1968 के बाद, यानी कि एनपीई 1968 के बाद और एक एजुकेशन पॉलिसी हमारी रिकमेंड हुई हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो हुई एनपीई 1986, यानी कि 1986 में हुई। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, एनपीई 1986 यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। तो अब हम बात करते हैं उसकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी, तो चलिए जानते हैं। तो एनपीई 1986 यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का जो मेन मकसद हम कह सकते हैं वो था अंडरस्टैंडिंग द कल्चर एंड सोशल सिस्टम, यानी कि एक बच्चे को अपना कल्चर और अपने सोशल सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, ये मानना था एनपीई यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का। इसके साथ साथ मैक्सिमम लर्निंग, यानी कि ये बच्चे को किस हिसाब से ज्यादा उसको फोकस दिया जा सकता है, एक बच्चे का फोकस जा सकता है पढ़ाई के ऊपर, ये कोशिश रही थी हमारी एनपीई 1986 का, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं अपनी ईमेल आईडी के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक भी दी रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ले सकते हैं। आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।